गुड मॉर्निंग। आज अपन लोग सोल्व करते हैं अपना जो संडे को पेपर लगा 842 नंबर। तो सबसे पहले देखो अपन मैथ्स में उसका सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों को दे रखा है ए बोटमैन रो 1 किलोमीटर इन 5 मिनट अलोंग द स्ट्रीम एंड 6 किलोमीटर इन 1 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। हमें यहाँ पर धारा की चाल बतानी है कि क्या होगी। चलिए कोशिश करते हैं कैसे निकालें। देखो हम लोगों को पता है कि वो बोटमैन जो है वो 1 किलोमीटर चलता है 5 मिनट में अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम क्या होता है? एक्स प्लस वाई के अंदर उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी 1 किलोमीटर 5 मिनट में। तो इस मिनट को अगर आवर में बदलूँ तो मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 से क्या 12 बार, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की धारा की दिशा में चाल क्या थी? 12। अब हमें कह रहे हैं अगेंस्ट द स्ट्रीम जो है वो 6 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमें धारा की चाल बतानी है, y की वैल्यू बतानी है, तो वो क्या होगी? दोनों के डिफरेंस का आधा। तो दोनों के डिफरेंस का आधा क्या आ गया? 3 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? चले इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो 52 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं, एबीसी किसी व्यापार में साझेदार है, ए को टोटल जो है लाभ का 3/5 प्राप्त होता है और शेष बी और सी आपस में बांट लेते हैं और वो भी इक्वल बांटते हैं। सी को ए से 400 रुपए कम मिले तो हमें टोटल लाभ बताना है कि क्या था। चलिए कोशिश करते हैं। अगर हम मान लें कि टोटल प्रॉफिट 5 है तो उसमें से ए को कितना मिल जाएगा? 3। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा? 2। वो क्या होगा? बी और सी में आपस में बराबर बांटेंगे, इन्होंने इक्वल बांटे तो बराबर बांटेंगे। तो 2 को अगर हम बी और सी में बराबर बांटे तो 1-1 मिल जाएगा। ए को मिला 3, बी को मिला 1 और सी को मिला 1। ए और सी को जो अमाउंट मिली उसका डिफरेंस कितना है? 2। हमें कह रहा है ए और सी के बीच में डिफरेंस कितना है? 400 रुपए का। तो 2 की वैल्यू 400, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 200। हमें टोटल प्रॉफिट चाहिए तो 5 की वैल्यू चाहिए, तो 5 × 200 क्या आ जाएगा? 1000। तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1000 रुपए टोटल लाभ कितना था? 1000 आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, किसी को कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं, रूट में 72 माइनस में 90√3 बराबर एक्स माइनस वाई रूट थ्री, ये हमें दे रखा है और हमें रूट एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। तो अगर देखो मैं क्वेश्चन लिखूं आपके पास 72 माइनस 90√3 का होल रूट बराबर एक्स माइनस रूट थ्री, अगर मैं दोनों साइड स्क्वेयर कर दूं तो क्या आएगा? 72 माइनस में 90√3, यहां से तो सिर्फ रूट हटेगा, बराबर क्या आएगा? एक्स स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर, माइनस में क्या आ जाएगा? 2 × x × y√3, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अगर अपन इस पोर्शन को इससे कंपेयर कर लें तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि 90√3 की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी? xy × 2√3 के बराबर। तो रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो एक्स वाई बराबर 45। हमें रूट एक्स वाई की वैल्यू चाहिए तो रूट में 45 की वैल्यू चाहिए। अब इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर होता है 6 का 36, इससे बड़ा होता है 7 का 49। तो रूट 45 की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो वो 6 और 7 के बीच में आएगी और 6 और 7 के बीच में एक ही ऑप्शन है 6.7, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट पर चलते। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखे, ए बी सी अकेले किसी काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला काम करता है लेकिन प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी मदद करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा? चलिए देखिए, सबसे पहले हमें पता है ए काम कर रहा है 20 डेज में, बी 30 डेज में और सी 60 डेज में। सबसे पहले जो ये डाटा दे रखा है यहां से हम टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकाल लें। टोटल वर्क आ जाएगा 60, ए की एफिशिएंसी 3, बी की 2 और सी की 1। अब काम कर रहा है ए, अकेला ए काम करता है लेकिन हर तीसरे दिन बी और सी उसकी हेल्प करते हैं। इसका मतलब फर्स्ट डे ए आएगा, सेकंड डे भी काम करने ए आएगा और थर्ड डे ए की हेल्प करने बी और सी आ जाएंगे।
तो पहले दिन ये तीन पेड़ लगाएगा, दूसरे दिन भी ये तीन पेड़ लगाएगा, तीसरे दिन तीनों मिलकर छह पेड़ लगाएंगे, तो टोटल 12 पेड़ लग जाएंगे। 3 दिनों टोटल पेड़ लगाने 60, इसका कितने गुना काम कराना है, 5 गुना, तो टाइम भी कितने गुना लगेगा, 5 गुना, तो 60 पेड़ लग जाएंगे कितने दिनों में, 15 दिन। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमें देखो क्या कह रहे हैं, एक आदमी 60 रुपए में 20 के भाव से कुछ संतरे खरीदता है, उतने ही संतरे 60 रुपए में 30 के भाव से खरीदता है, उन्होंने एक जगह मिलाकर 60 रुपए में 25 के भाव से बेच देते हैं, तो हमें उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताना है कि क्या होगा। अब देखो हमें पता है हमने क्या करा, 60 रुपीज में 20 संतरे खरीदे, और उतने ही संतरे हमने क्या करा 60 रुपीज में 30 के हिसाब से खरीदे। तो सबसे पहले हमें पता है कि दोनों में क्या करना है, उतने ही संतरे खरीदने हैं, इक्वल नंबर ऑफ दी ऑरेंजेस चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इनको इक्वल बनाएंगे, या 20 है या 30 है, दोनों का एलसीएम 60 होगा, तो 60 बनाने के लिए इसको 3 से गुना कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 180 रुपये के 60 संतरे यहाँ पर हमें मिल गए, 120 रुपये के 60 संतरे। इसका मतलब टोटल हमारे पास क्या आ गया, टोटल अगर अपन कॉस्ट प्राइस देखें तो क्या हो गया, 300 रुपए के 120 संतरे इतने हमने खरीदे, और टोटल सेलिंग प्राइस अगर हम देखें तो उन्हें मिलाकर हमने क्या करा, 60 रुपए के 25 संतरों के भाव से बेच दी। अब हम या तो क्या करें, खरीदी के वस्ते बेची के वस्ते बराबर बनाए या रुपीज बराबर बनाए, है ना, तो यहां से अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 300 रुपये में हम कितने संतरे बेच देंगे, 125। तो अब ये कह सकते हैं 120 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बराबर किसके, 125 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। तो आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस और आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का अगर अपन रेशियो निकालें तो 125/120, या हम कह सकते हैं 25:24। 25 में खरीदा और 24 में बेच दिया तो लॉस हुआ कितने का, 1 का, कितने पर, 25 पर, परसेंटेज में चाहिए, इनटू कर दिया 100% से, तो लॉस आ गया 4%। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। अगर हम यहाँ से इसके बाद ये नहीं करना चाहे तो डायरेक्ट इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें कह रहे एक विद्यार्थी 10 2-अंकीय संख्याओं का एवरेज फाइंड करना चाहता है, संख्याओं को नकल करने में उसने गलती से एक संख्या के उसके परस्पर अंकों को बदल दिया और उसके कारण उसका जो आंसर था सही आंसर से 1.8 कम आता है, तो जिस संख्या को लिखने में उसने गलती करी तो उसके अंकों का अंतर कितना था। देखो एवरेज में डिफरेंस आया 1.8 का, एवरेज है 10 नंबर्स का, तो टोटल अगर डिफरेंस निकालना है, टोटल निकालना है तो एवरेज को टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, डिफरेंस कितने का आया, 18 का। अब इस डिफरेंस को 9 से डिवाइड कर दे तो आंसर क्या जाएगा, 2। इसका मतलब संख्या के अंकों में अंतर कितना था, 2 का, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें बेसिक जो कंसेप्ट है वो हमने क्लास में सीख रखे हैं कि डिफरेंस 9 का भाग देने पर अंकों का अंतर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो कह रहे हैं ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोज ए स्फीयर ऑफ द रेडियस आर, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इट्स, हमें इनके रेशियो बताने। कह रहे एक लंबवर्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या आर अर्धव्यास वाले गोले के ठीक ठीक परिबद्ध करता है, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखो इसका जो डायग्राम है वो लगभग कुछ इस तरह से बनेगा, ये हमारे पास सिलेंडर है और इसके अंदर ये हमने एक गोला डाला। हमें कह रहे एक सिलेंडर जो है इस गोले को क्या करता है, पूरी तरह से परिबद्ध करता है। तो हमें यहाँ से इतना सी बात समझ आ जाएगी कि जो सिलेंडर की रेडियस है, जो हमारा बेलन है और जो हमारा स्पेयर है, इन दोनों की रेडियस सेम होगी और बेलन की जो हाइट होगी वो इसके डायमीटर के बराबर होगी, तो इसके एच बराबर क्या होगी, 2R। हमें क्या चाहिए, स्पेयर का तो चाहिए, स्पेयर का हमें यहाँ पर चाहिए टोटल सरफेस एरिया, और हमें इसके रेशियो के अंदर क्या चाहिए, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²,
सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो यहां पर 4 पाई आर के रेशियो में एच की जगह हम यहां पर क्या 2r लिख सकते हैं। एच की जगह जब हम यहां 2r लिखेंगे तो क्या जाएगा, 4 पाई आर के रेशियो में 4 पाई आर के, तो दोनों के एरिया का रेशियो क्या जाएगा, 1:1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। नमक और पानी के एक विलयन के भार को आधार पर 12% नमक की मात्रा है। विलयन में से 25 किलोग्राम पानी वाष्पीकृत करने के बाद नमक की सांद्रता 22% रह जाती। तो हमें बताना है विलयन में स्टार्टिंग में उसकी कितनी मात्रा थी, इनिशियल हमें बताना है। तो अब देखो इसका हम लोगों ने कई बार फॉर्मूला पढ़ा है, ओल्ड सॉल्यूशन इनटू ओल्ड परसेंटेज बराबर न्यू सॉल्यूशन इनटू में न्यू परसेंटेज। अब हम लोगों को पता है हमारा सॉल्यूशन जो है वो साल्ट और वाटर का है, हम इसमें से पानी रिमूव कर रहे हैं तो फिक्स क्या रह रहा है, सोल्ट। और हम ओल्ड और न्यू परसेंटेज किसका लेते हैं, जो फिक्स रहता है। तो यहाँ साल्ट का ही ओल्ड परसेंटेज आएगा और सोल्ट का ही न्यू परसेंटेज आएगा। ओल्ड सॉल्यूशन हमने मान लिया एक्स के जी का था, इसमें सोल्ट का ओल्ड परसेंटेज कितना था, 12%। फिर हमें कह रहे हैं कि हमने इसमें से 25 के जी रिमूव कर दिया तो एक्स माइनस 25 और न्यू परसेंटेज कितना आ गया, 22%। यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 2 से गया 6 टाइम, 2 से गया 11 टाइम, मल्टीप्लाई करते 6x बराबर 11x माइनस 275। ये इधर आते ही माइनस का 5x बराबर 275, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 55। इसका मतलब इनिशियली हमारे पास उसकी क्वांटिटी क्या थी, 55 के जी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। चलिए चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें 59 नंबर क्या कह रहा है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी डी, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, देन विच ऑफ द फ्लोइंग वुड बी करेक्ट। हमें ए बी और ए डी के अंदर रिलेशन बनाना है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, यहां पर अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए, ये हमारे पास ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने ज्यूम करा, इसमें ए से हम लोगों ने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया ए डी। हमें रिलेशन चाहिए ए डी और ए बी के अंदर। अगर मैं इक्विलेटर ट्रेंगल है तो तीनों साइड इक्वल मान सकता हूँ, और किसी भी शीट से सामने वाली भुजा पर अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो उसकी लेंथ होती है √3/2a। हमें रिलेशन चाहिए ए बी स्क्वेयर और ए डी स्क्वेयर में, तो अगर ए बी स्क्वेयर निकालो तो उसका मान क्या जाएगा, ए स्क्वेयर। ए डी स्क्वेयर निकालें तो √3/2a का स्क्वेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/4a स्क्वेयर। तो यहाँ से ए स्क्वेयर कैंसिल, 4 ऊपर चला जाएगा, ए बी स्क्वेयर अपॉन ए डी स्क्वेयर बराबर 4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3ab² बराबर 4ad², ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखो हमें क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी की भुजा इनके मिड पॉइंट समय डीईएफ दे रखे, एडी और बी एक दूसरे को बिंदु जी पर काटते, तो हमें एजी बीजी और सीजी इनके बराबर बताना है कि क्या होगा। चलिए सबसे पहले अपन एक ट्रायंगल बना लेते एबीसी, इनकी साइड्स के जो मिड पॉइंट है बीसी सी और एबी के वो डीईएफ है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। अब इनको अगर अपन मीट कर दें ए डी को बी को, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आता है, जी। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ए जी प्लस बी जी प्लस सी जी, तो इसका मतलब हम इसको भी मिला सकते हैं। हम लोगों को पता है मीडियन जो है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट उनको क्या करता है, 2:1 में मारता है, तो ए जी की जो लेंथ है वो क्या ए डी का 2/3 होगी। इस रेशो के अकॉर्डिंग ए जी की लेंथ 2/3 होगी, तो इन सबकी लेंथ जो होगी पूरी की 2/3 होगी, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 ए डी प्लस बी प्लस सी एफ, ये वैल्यू इनके बराबर आ जाएगी। ये भी क्या होगी, 2/3 ए डी होगी, ये क्या होगी, 2/3 बी होगी, और ये हमारे पास 2/3 सी एफ होगी। तो इस तरह से तीनों को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, बी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 61 नंबर पर।
61 नंबर देखो हमें क्या करें, किसी खंभे का जमीन के किसी बिंदु से उन्नयन कोण इस प्रकार है कि उसकी स्पर्श रेखा का मान 5/12 है। जब हम 192 मीटर खंभे की ओर चलेंगे तो उन्नयन कोण का मान 3/4 हो जाएगा, तो मीनार की हाइट बतानी। तो देखो ध्यान देना, ये हम लोग एक मीनार कंसिडर कर लेते हैं। स्टार्टिंग में हमें जो इसका स्पर्श कोण दे रखा है वो हमें दे रखा है 5/12। इसका मतलब अगर ये 5 थी तो ये हमारे पास कितनी थी पूरी, 12 थी, ऐसा हम लिख सकते हैं। फिर हमें कह रहे हैं जब हम 192 मीटर खंबे की ओर चलते हैं तो हमारे यहाँ से जो एंगल है उसके लिए एंगल क्या हो जाता है, वैल्यू क्या हो जाती है, 3/4। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर अगर लिखें कि हमारे पास क्या हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी और ये 4 हो जाएगी। अब एक कंडीशन में ये 5 थी, एक कंडीशन में 3 थी, दोनों को सेम बनाना है। तो 5 और 3 का मल्टीपल अगर इसको 15 मान लें तो यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल बनी 36। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 15 बनेगा, तो ये मल्टीप्लाई करा ये बनी 20। ये टोटल 36 थी, ये 20 थी, इसका मतलब हम 16 चलें। 16 की वैल्यू अगर 192, तो 1 की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालें तो क्या 12 मीटर आ जाएगी, और 1 की वैल्यू 12 मीटर आई, हमें मीनार की हाइट चाहिए तो वो कितनी हमने ली है, 15। तो 15 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 × 15 180 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्लियर है भाई, तो आंसर हमारा ऑप्शन क्या आ गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 62 नंबर कह रहे हैं किसी नंबर को 136 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 36 आता, इसी नंबर को अगर 17 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर बताना है कि क्या होगा। तो देखो हमें सबसे पहला कंडीशन ये पता है कि डिवीजर 1 में डिवीजर 2 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। डिवीजर 1 था 136, इसमें अगर 17 का भाग दें तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट रिमाइंडर 2 क्या होगा, फर्स्ट रिमाइंडर में नए डिवीजर का भाग दे देंगे। तो पहले रिमाइंडर हमारे पास क्या था, 36, नया डिवीजर 17 का भाग दिया तो शेषफल क्या गया, 2। 17 × 34 क्या बच जाएगा, 2। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सीरीज दे रखी है, 1 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर, इसमें n पदों का हमें योग चाहिए कि क्या होगा। सीरीज है 1 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब, इस तरह से इसमें n टर्म्स हैं। तो a का ये हमें पता लग रहा है, एक gp है, a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 1/2 है, हमें sn चाहिए। अब sn का फॉर्मूला क्या होता है, a × 1 − r^n / 1 − r। तो यहाँ अगर अपन वैल्यू रखें तो 2 × 1 − 1/2 / n / 1 − 1/2, तो ये क्या आ जाएगा, 2 × यहाँ अगर एलसीएम ले लूँगा तो मेरे पास ऊपर क्या आ जाएगा, एलसीएम 2^n, ऊपर क्या आएगा, 2^n − 1 अपॉन में, यहाँ एलसीएम लूँगा तो क्या आ जाएगा, 2 − 1/2, इस तरह से हम इसको लिख पाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 2 × 2^n − 1 अपॉन के अंदर 1^n लिखो या 1 लिखो एक ही बात है, अपॉन में 2^n इंटू में 1 अपॉन में 2, तो वो मेरे पास कहाँ आ जाएगा, अपॉन में जो 2 है वो ऊपर आ जाएगा, तो ऐसा हम लिख पाएंगे। तो यहाँ से अगर अपन ये 2 कैंसिल कर दें तो 2^n − 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2^n − ये 2^n है, 2 का डिवाइड करूंगा तो 2^n − 1, ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, sin 70 + cos 40 / cos 70 + sin 40, हमें इसकी वैल्यू बतानी। तो अगर मैं क्वेश्चन लिख दूं, sin 70 °+cos 40 °/ cos 70 °+sin 40 °, तो अब देखो अगर अपन इसकी टर्म चेंज करें, अपन इसको sin 70 °+sin 50 °, लिख दें, cos 40 को चेंज करा sin 50 में, अपॉन में cos 70 + sin 40 इसको हम लोग चेंज कर दें cos 50 में, तो हमारे पास क्या बना, sin C + sin D। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin C + D/2 इंटू में cos C − D/2।
अपॉन में। अगर कोस सी प्लस कोस डी की बात करें तो क्या जाएगा, टू कोस सी प्लस डी बाय टू इंटू में कोस सी माइनस डी बाय टू, ये हमारे पास आ जाए। तो ये दोनों टर्म तो क्या हो जाएंगी, कैंसिल, टू से टू कैंसिल। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है टेन थीटा, 70 प्लस 50 120 बाय 2 टू 60 डिग्री, और 1060 डिग्री का मान क्या होगा, रूट थ्री। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है भाई? तो इसके लिए हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 65 नंबर, देखो 65 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। या तो यहाँ थीटा की आप वैल्यू रखकर कर सकते हो, थीटा की जगह आप चाहो तो 45 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री रख सकते हो, क्वेश्चन में भी रख लो ऑप्शन में भी रख लो, आंसर आ जाएगा 45 से। हो सकता है आपको कोई दो ऑप्शन मिल जाए जिनका आंसर सेम आए, तो इसलिए 30 या 60 रख लो। पर अगर अपन इसको और किसी तरीके से करें, आपको अगर फॉर्मूले याद है तो 1 को हम क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। तो अगर मैं इस पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला पार्ट देखूं तो क्या टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन की जगह अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा लिख दूं, अभी मैं सिर्फ इस क्वेश्चन का न्यूमिनेटर अंश लिख रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब पूरे में से अगर मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या आएगा, इसकी जगह वन आ जाएगा, वन माइनस सेक थीटा माइनस को अंदर इंटू करूंगा तो प्लस टेन थीटा। अब इसके डिनोमिनेटर में हर के अंदर मेरे पास यही था क्या सेम, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। तो ये पोर्शन कट जाएंगे क्या आपस में, सिर्फ क्या बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब सेक थीटा क्या होता है वन अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो क्या आ जाएगा वन प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आया वन प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ऑप्शन ए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो थीटा भी रखकर चेक कर सकते हैं, 30 और 60 दोनों से आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, तो उससे भी आंसर निकाल सकते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब 200 मीटर 200 को एक पूर्ण संख्या धन पूर्ण संख्या x से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 8 आता है, तो x के कितने मान हो सकते हैं हमें ये बताना है। अब देखो हमें 200 को किसी नंबर से x से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर 8 आता है, इसका मतलब पूरा पूरा भाग क्या 192 में जाता है, 200 में से 8 घटाते तो क्या आ गया 192 के अगर अपन टोटल फैक्टर देखें तो 192 को अगर प्राइम नंबर्स में तोड़ें तो 2 से डिवाइड करा 96, 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, फिर 2 से डिवाइड करा 3, फिर 3 से डिवाइड करा 1। तो 192 के अगर फैक्टर देखें तो क्या 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1 आएगा। तो इसके अगर अपन टोटल फैक्टर्स निकालें तो इनकी पावर में 1-1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल फैक्टर कितने हैं 14। लेकिन मुझे रिमाइंडर अगर 8 बचाना है तो 8 या उससे छोटे जितने भी फैक्टर होंगे उनको छोड़ना पड़ेगा, तो 8 से छोटा फैक्टर 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, ये सब वो नंबर्स हैं जिनका 192 में पूरा पूरा भाग जाता है, 4 भी होगा, 5 नहीं होगा, 6 भी होगा और 8 भी होगा। तो ये कितने फैक्टर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल फैक्टर थे 14, 8 या 8 से छोटे फैक्टर 6 थे तो वो घटा दें तो कितने फैक्टर बचे 8, इसका मतलब 8 फैक्टर हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करें, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 13 सेंटीमीटर, ओ एम ओ एन और ओ पी हमें 5 दे रखे, तो हमें पैरामीटर बताना है ट्रायंगल का। चलिए कोशिश करते हैं। अब देखो ये डायग्राम की मदद से अगर अपन कर लें तो इन सबकी लेंथ 5 है, इन सबकी लेंथ 5 है और रेडियस है 13, तो ये हमारे पास क्या होगी 13, ये 5 है ये 13 है तो ये 12, सेम ये भी 13 होगी तो ये 12, इसका मतलब इसकी ईस्ट साइड की जो लेंथ है 12 प्लस 12 क्या आ जाएगी 24, ईस्ट साइड की लेंथ 24, तीन साइड है तो 24 इंटू 3 क्या आएगा 72, तो
तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से 4,300 रुपए की एक राशि 2 साल में बढ़कर इतने रुपए हो जाती, कौन सी राशि साधारण ब्याज किसी ब्याज की दर से 5 साल में बढ़कर इतने रुपए हो जाएगी। देखो हमें पता है प्रिंसिपल कितना है, 4,300, टाइम दे रखा है 2 ईयर, अमाउंट दे रखी है 4,644, तो यहां से अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो SI हमें कितना मिल जाएगा, 344, 344 रुपए SI मिला कितने टाइम में, 2 साल में, तो 1 ईयर का अगर SI निकालें तो 344 में 2 का डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, 172, 172 का जो ब्याज है वो कितने पर मिला, 4,300 पर, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, तो ये चला जाएगा 4 बार, इसका मतलब 1 साल का SI परसेंटेज क्या होती है, रेट, तो रेट क्या आ गई, 4%। अब 4% हमारे पास रेट आ गई, टाइम है 5 ईयर नेक्स्ट बार, तो SI परसेंटेज कितना आ जाएगा, 20%, SI मिला 20%, प्रिंसिपल अपने आप में 100%, तो अमाउंट क्या आ जाएगी, 120%, और 120% की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 10,104 रुपये, हमें प्रिंसिपल चाहिए, तो 1014 अपॉन में 120% वैल्यू चाहिए 100% की, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 से अगर अपन इसको काट दें तो क्या आ जाएगा, 12 से चला गया 8 बार 96 बच जाएगा, 550 फिर चला जाएगा 4 बार 48 बच जाएगा, 224 फिर चला जाएगा 2 बार, तो ये 842 बार गया और इंटू में 10, इसका मतलब 8,420 रुपये, तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 8,420, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, व्हेन द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 12.5%, ए मैन कैन गेट 250 ग्राम लेस राइस फॉर ₹18, द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द राइस पर केजी, हमें राइस का प्रेजेंट रेट बताना है, हमने इसका रेट 12.5% से बढ़ाया, इसका मतलब 1/8 से बढ़ा दी, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका रेट अगर ओरिजिनलिटी में 8 था तो अब कितना हो जाएगा, 9, रेट 8 से 9 हुआ तो यूज हम इसका 9 से 8 कर पाएंगे, 9 से 8 कर पाए इसका मतलब कितना कम हुआ, 1, हम कह रहे हैं 1 कम हुआ, वो कह रहे हैं 250 ग्राम कम हुआ, 1 की वैल्यू 250 ग्राम, तो 8 की वैल्यू 8 से गुना करें तो क्या जाएगा, 2 kg, इसका मतलब हम 2 kg राइस यूज कर पा रहे हैं, और हम उसके लिए अमाउंट कितनी पे कर रहे हैं, 18 रुपये, तो 2 kg राइस अगर आज की डेट में हमें 18 रुपये के मिलते हैं तो 1 kg का रेट क्या जाएगा, 18/2, 9 rupees पर kg, तो ये उसका प्रेजेंट रेट आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, हमें कह रहे हैं दो संख्याएं, दो नंबर्स हैं एक्स और वाई, जिनका एलसीएम उसके एचसीएफ से 204 गुना है, यदि उनका एचसीएफ 12 है, इन संख्याओं के बीच का अंतर 60 है, तो हमें एक्स प्लस वाई का मान बताना है कि क्या होगा। मान लिया कि दो नंबर्स का रेशो था ए रेशो बी, दो नंबर्स का रेशो ए रेशो बी माना, इनका एचसीएफ हम लोगों को पता है 12 है, तो नंबर्स क्या होंगे, 12A और 12B, हमें कह रहे हैं उन दोनों के बीच में एक्स और वाई जो नंबर्स हैं उनके बीच का डिफरेंस 60 है, तो दो नंबर्स हम लोगों ने 12A और 12B माने, तो इनका डिफरेंस अगर 60 तो ए माइनस बी कितना आया, 5, इसका मतलब उन दोनों नंबर्स के रेशो में 5 का डिफरेंस है, और हम लोगों को कह रहे हैं कि उनका जो LCM है वो HCF का 204 टाइम है, इसका मतलब LCM क्या होगा, 204 × 12, हम जानते हैं कि दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई इनके LCM और HCF के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, तो हमारा एक नंबर है 12A, दूसरा नंबर है 12B, इनका LCM है 12 × 204, HCF है 12, तो 12 × 12 से ये 12 × 12 कैंसिल, इसका मतलब नंबर्स के रेशियो का मल्टीप्लाई 204 है, तो 204 को ऐसे दो नंबर सोचे जिनका मल्टीप्लाई 204 बन रहा हो, 1 और 204, 2 और 102, 4 और क्या आ जाएगा, 51, फिर ये अगर अपन सोचे तो 12 और 17, इन सब का मल्टीप्लाई 204 बनता है, 12 और 17 के बीच का डिफरेंस क्या 5 आ रहा है,
और ये को प्राइम नंबर भी है, इसका मतलब हमारे पास इनकी वैल्यू क्या आ गई, 12 और 17। तो a का मान 12, b का मान 17, हमें x प्लस वाई चाहिए, तो x प्लस वाई क्या होगा, 12a प्लस 12b। तो यहां से 12 अगर कॉमन ले लें तो a प्लस b, तो हमारे पास 12 इंटू में 12 प्लस 17 हमारे पास क्या जाएगा, 29। तो 12 को अगर अपन 29 से गुना कर दें तो 290 और 348, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी 348, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो हमें इनमें से सबसे बड़ा नंबर बताना है कि क्या होगा। तो अब देखो उसके लिए सबसे पहला काम, हम ये क्यूब रूट 2 और 4 की पावर 1/7, इन दोनों को अगर अपन कंपेयर करें, सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करें, क्यूब रूट 2, तो यहां से देखो ये 2 की पावर 1/3, ये 4 की पावर 1/7, 3 और 7 का एलसीएम क्या आया, 21। तो दोनों को अगर 21 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3 से गया 7 टाइम, ये गया 3 टाइम, तो इसका मतलब ये 2 की पावर क्या बना, 7, और ये 4 की पावर 3, और 4 की पावर 3, 4 को क्या 2 की स्क्वायर कह सकते हैं, तो 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7, तो अब इन दोनों में से बड़ा क्या है, 2 की पावर 7। फिर नेक्स्ट अगर अपन इसमें कंपेयर करें इन दोनों को, नेक्स्ट अगर अपन इन दोनों को कंपेयर करें तो हम लोगों को पता है कि हमारे पास 3 की पावर 1/5 है और 9 की पावर 1/8, 8 और 5 का एलसीएम 40, दोनों को अगर 40 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 की पावर क्या आ जाएगी, 8, और 9 की पावर क्या आ जाएगी, 5। अब हमें 9 जो है वो पता है कि 3 का स्क्वायर होता है, तो ये 3 की पावर 10 बनेगा, ये 3 की पावर 8, तो इन दोनों में से बड़ा क्या है, 3 की पावर 10। यहाँ पर बड़ा हमारे पास 2 की पावर 7 या 3 की पावर 10, दोनों को अगर कंपेयर करें तो 2 की पावर 7 या 3 की पावर 10 बड़ा क्या होगा, 3 की पावर 10, और 3 की पावर 10 का मतलब 9 की पावर 1/8, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ एस डिनोट्स द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ द हाइट एच एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, देन एस इक्वल टू, हमें इसका सरफेस एरिया बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते हैं। देखो हमें एक कोन दे रखा है जिसकी हाइट हमें क्या कह रहा है कि एच है, और सेमी सर्कुलर जो कोन है वो कितना है, अल्फा, तो हमें इसका क्या करना है, सरफेस एरिया बताना है कि क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एस की वैल्यू बतानी। चलिए हमें पता है कि सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर इंटू एल, तो मैं देखो यहां से ये कह सकता हूं क्या कि मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसकी हाइट मुझे एच पता है और ये एंगल अल्फा है, और ये मेरे पास यहाँ 90 डिग्री हो गया क्योंकि राइट सर्कुलर कोन है। अब मुझे क्या चाहिए, मेनली एक तो चाहिए इसकी एल और एक चाहिए रेडियस। तो सबसे पहले आर और एच का अगर रेशियो देखूं तो ये क्या 10 अल्फा होगा, तो यहां से आर की वैल्यू क्या होगी, एच 10 अल्फा। फिर अगर मैं एच अपॉन एल अगर देखता हूं तो एच अपॉन एल तो क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा, कोस अल्फा। तो यहां से अगर मुझे एल की वैल्यू चाहिए तो एच अपॉन कोस अल्फा या एच इंटू सेक अल्फा, तो मुझे R और L दोनों की वैल्यू मिल गई, R की वैल्यू H tan alpha और L की वैल्यू H sec alpha, यहाँ पर रख दूँ, R की जगह रखा H tan alpha, L की जगह रखा H sec alpha, तो क्या जाएगा पाई H square tan alpha into sec alpha, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास S की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास ये जो ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया पाई एच स्क्वायर सेक अल्फा इंटू टेन अल्फा, ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें भाई। देखो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास आ गया डीआई का क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, हमें इस टेबल का अध्ययन करना है, एक कोई एक्स वाई जेड कंपनी है उसकी टोटल सेल दे रखी है, ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, इन विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सेल एंड ग्रोस प्रॉफिट इज द लिस्ट,
हमें बताना है किस साल के अंदर टोटल बिक्री और सकल लाभ का अंतर सबसे कम है। चलिए टोटल सेल और ग्रॉस प्रॉफिट का डिफरेंस देखना है। तो यहाँ अगर अपन देखो इसमें डिफरेंस देखें तो यहाँ डिफरेंस लगभग 200 के आसपास है ना। ऑप्शन अपन चाहें तो 2005, 2006, 2007, 2008 इन चारों तक कोई चेक करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले को अगर अपन डिफरेंस देखें तो 134,400 लगभग 260 के आसपास। नेक्स्ट वाले का डिफरेंस अगर देखें तो यहाँ क्या आ जाएगा 240 के आसपास। और नेक्स्ट वाले का डिफरेंस अगर देखें 440 और 160 का डिफरेंस अगर निकालें तो क्या आ जाएगा 440 में से 160 घटाएं तो 280 के आसपास। सबसे कम डिफरेंस आ रहा है 200 के अराउंड। तो आंसर क्या आ जाएगा 205 2005 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करें, द टोटल सेल इन 2008 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सेल इन 2005। 2008 में टोटल सेल हमारी कितनी थी 439.7, 2005 में टोटल सेल कितनी थी 351.6। इसका लगभग कितना परसेंट है, परसेंटेज में चाहिए, इनटू कर दिया 100% से, ये यहाँ पॉइंट से पॉइंट काट दें। अब अगर अपन यहाँ पर देखें इसको, अगर अपन देखें तो ये 3 से कट रहे हैं। ऊपर वाली वैल्यू अगर देखें 14 और 923 नहीं घट रही। अगर अपन इसको यहाँ 4 से काट दें तो क्या आ जाएगा 8 चौक 32, 3 फिर मेरे पास क्या आ जाएगा 31, ये 1 है तो 31 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 7 चौक 28, 3 36 चला जाएगा 9 बार, ये चला जाएगा 25 बार। अगर इसको काटूँ तो लगभग देखो ये 5 गुना के आसपास है, 879 का 5 गुना लगभग ये होगा। तो 5 × 25 लगभग कितना आ जाएगा 125%। ये तो हमने पूरा सोल्व करके करा। अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर अपन फिर से देखें तो हम लोगों को बताना है कि 2008 के अंदर जो सेल थी वो 2005 में जो टोटल सेल थी उसका कितना परसेंट है। 2008 की सेल 439.7, 2005 की सेल 351.6, ये वैल्यू इसका कितना परसेंट है, परसेंटेज में चाहिए, इनटू करा 100% से। ये वैल्यू इससे बड़ी है तो 100% से ज़्यादा आएगा। तो एक ही ऑप्शन है 125, वही हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किन वर्षों में अपने से पिछले वर्ष की तुलना में तीनों ही मदों में अर्थात टोटल बिक्री, सकल लाभ और शुद्ध लाभ एक साथ बढ़े, हमें ये बताना है। अब देखो हमें इसके लिए टेबल की जरूरत पड़ेगी, 2008, 2009, 2007। चलो अपन इसको अगले नेक्स्ट पिछले वाले जो टेबल है वहीं से कर लेते हैं। पहला ऑप्शन 2008 और 2009, हमें बताना है हर बार इंक्रीज हुआ पिछले साल से। तो देखो पिछले क्वेश्चन की अगर अपन टेबल देखें, ये अगर अपन इसकी टेबल देखें तो अगर अपन देखें तो 2008 से 2009 के अंदर ये इंक्रीज हुआ, ये भी इंक्रीज हुआ और ये भी इंक्रीज हुआ। ये हम लोग कह रहे हैं कि 2008 और 2009 में इंक्रीज हो रहा है। 2008 में अगर चेक करें तो ये पिछले से इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर आएगा वो ए आ जाएगा। क्लियर है भाई? तो आज हमने पेपर के सारे क्वेश्चन करे। थैंक यू आप सब लोगों का।